सो गाइस आज हम सर्वाइव करेंगे 100 डेज ऑन वन ब्लॉक, वो भी भैया के साथ। यस yes. कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें तुम लोगों से पूछा था कि भैया को अपने साथ खिलाना है क्या, और तुम लोगों ने भाई उस पर 10 के लाइक्स बहुत जल्दी करा दिया। और कमेंट सेक्शन तो तुम लोग हर वीडियो को भर देते हो कि भैया के साथ वीडियो को भारी है। सो गाइस आज फाइनली भैया भी हमारे साथ सर्वाइव करेंगे 100 डेज। और हाँ, इन 100 डेज के लिए हमारे पास कुछ एम भी है, जैसे सबसे पहला हमें नेदरराइट का आर्मर बनाना है, सेकंड एक घर बनाना है, और थर्ड एंडर ड्रैगन को मारना है। तो क्या हम ये तीनों चैलेंजेस कंप्लीट कर पाएंगे, ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक है मैं 25K लाइक्स, आई होप तुम लोग पूरा करा दोगे। सो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे वन को हम दोनों स्पॉन हो गए थे वन ब्लॉक के ऊपर, और अभी हम दोनों को अच्छे से पता था कि हम दोनों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपने नीचे वाला वन ब्लॉक मैंने माइन किया, तो ये अभी चल रहा था ट्यूटोरियल फेज, मतलब ये बताएगा कि वन ब्लॉक कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या होता है। फिर वन ब्लॉक को थोड़ा सा माइन करने के बाद आ गई थी एक चेस्ट जिसके अंदर रखी हुई थी ओक की सैपलिंग, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, जिससे हम पेड़ उगा सकते हैं और वुड की पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। फिर वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन करने के बाद हमें जो ब्लॉक्स मिले थे उससे एक्सटेंड कर दिया था प्लेटफॉर्म को, और उसके बाद थोड़ी सी और माइनिंग करने के बाद यहाँ पे आ गए थे काफी सारे सुअर जिनका हमें कोई भी काम नहीं था, बस ये जगह घेर रहे थे। तो और वन ब्लॉक को माइन करने के बाद जो लकड़ियां मिली थी उससे मैंने बना ली थी क्राफ्टिंग टेबल एंड थोड़ी सी स्टिक्स, जिसे मैंने बना ली थी दो पिकेक्स। और जब मैं ये बना रहा था पता नहीं भैया को क्या हुआ अभी तो उनकी उम्र ही क्या आती है, सांप को पाल रहा था। फिर जस्ट मैं इतना चेक कर रहा था कि पीवी पोन है या फिर नहीं है, तो मैंने उनको जस्ट हिट किया था और वो भाई गुस्से आ गए और उन्होंने मुझे ही गिरा दिया। भाई देख रहे हो मैं इतना इंपॉर्टेंट सामान लेके गिर गया, अब हाथों से माइन करना पड़ रहा है। देखो फिर एक और चेस्ट आ गई थी जिसके अंदर दो सैपलिंग थी, तो जल्दी से मैंने वो तोड़ ली। और फिर थोड़ा सा वन ब्लॉक को और माइन करने के बाद फाइनली मुझे एक वाटर बकेट मिल गई थी चेस्ट के अंदर, जो कि बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो जैसे मुझे बकेट मिली मैंने पानी प्लेस किया जल्दी से और मैं चला गया वन ब्लॉक के नीचे ब्लॉक लगाने, जिससे ग्रेवल या फिर सैंड टाइप के जो ब्लॉक्स आते हैं वो नीचे न गिर जाएं। फिर हमने वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन किया, अपने लिए टूल्स बनाए, और उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट आ गई थी जिसमें से दिल निकल रहे थे। तो उस चेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा खास सामान नहीं था, तो जल्दी से मैंने सारा सामान ले लिया और चेस्ट तोड़ी, और चेस्ट तोड़ते ही काउंटर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे बेडरॉक भी आ गया था। तो मैं समझ गया अगले फेज में जाने वाले हम, और हम आ गए थे फेज वन में, यानी अब से एकदम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहा है वन ब्लॉक। और ये पहली बायोम प्लेन्स बायोम की, तो ये सबसे सिंपल बायोम है और यहाँ पे हर वो सामान मिलेगा जो प्लेन्स बायोम में मिलता है। तो हम जल्दी से वन ब्लॉक को माइन करने लगे और मैंने जो ट्रिकी सैम्पलिंग थी वो एक कोने में लगा दी, जिससे वो ग्रो हो जाए तो हमें थोड़ी सी वुड मिल जाए। और फिर वन ब्लॉक को माइन करते करते यहाँ पे भाई इतने सारे सुअर आ गए, खड़े होने की जगह तक नहीं बची थी। तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म एक्सटेंड किया और हम फिर से वन ब्लॉक को माइन करने लगे, और उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी गाय आ गए भाई, बिल्कुल खड़े होने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया और एक स्पेशल हथियार बना लिया कुछ स्पेशल काम के लिए। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गई थी भाई काफी सारी शीप्स, बट मैं इस बार बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इन शीप्स को मार के मिल जाएगी हमें बहुत सारी वूल, जिससे हम बेड बना के आराम से चैन की नींद ले सकते हैं। तो मैंने जल्दी से फिर कुछ जरूरी काम किया। उसके बाद वन ब्लॉक को माइन करने के बाद भाई यहाँ पे इतनी सारी चिकन आ गई, क्या बताऊं तुम लोगों को। तो रहन दो फिर, मतलब सुनो मैं बहुत बार वन ब्लॉक खिलाऊं लेकिन इतने सारे जानवर तो इससे पहले कभी नहीं आए भाई, एक एक करके ये जानवर आते थे, यहाँ तो एक झुंड में आ रहे हैं। तो फिर मैंने इनके साथ वही किया जो बाकी जानवरों के साथ किया था, और गलती से भैया के साथ भी वही हो गया मतलब भैया भी मर गए। देखा मैंने इसीलिए हार्डकोर नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था हम बहुत ज्यादा बार मरेंगे, और भैया पहली बार पीसी में खेल रहे हैं तो अभी उनको मरने का तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा ही। फिर हमने काफी सारी और माइनिंग करी और यहाँ पे काफी सारे सुअर आ गए थे। उसके बाद थोड़ी सी और माइनिंग करने के बाद एक चेस्ट आ गए थे जिसके अंदर बल्ची बोलते हैं ना, तो इसकी सैपलिंग रखी हुई थी जिसका मैं यूज तो करने वाला नहीं था, तो भी मैंने अपने पास रख ली। और वैसे मेरे पास जितना भी सामान आता था मैं एक चेस्ट में स्टोर कर देता था क्योंकि हमको पता था हम बहुत बार गिरने वाले हैं और सारा सामान बेकार ना जाए, इसलिए एक चेस्ट में स्टोर कर दो। और फिर थोड़ी सी और हमने माइनिंग करी, यहाँ पे बहुत सारी गाय आ गई, भैंस आ गई, मतलब भैंस तो होती, सुअर आ गए और भी काफी सारे जानवर आ गए। तो हमने अब सोच लिया भाई बहुत सारे जानवर हो गए, अब उनके लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो मैंने जल्दी से एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे सारे जानवर को मैं खिसका के ले गया और एक बाउंड्री भी लगा दी जिससे वो गिर ना जाए। और जब हम इन जानवरों की शिफ्टिंग कर रहे थे तो भैया टपक गए। फिर हम दोबारा से लग गए थे वन ब्लॉक को माइन करने में और इस बार आ गए थे बहुत सारी शीप्स, तो जल्दी से मैंने उन सारी शीप्स को मार दिया जहाँ से मुझे इतनी वूल मिल गई थी जिससे मैं दो बेड बना सकता हूँ। जल्दी से मैंने बेड भी बना ली और पहली बार इस वर्ल्ड में हम चैन की नींद सो लिए। फिर सुबह होते ही हम दोबारा से वन ब्लॉक की माइनिंग में लगे और यहाँ पे काफी सारे चिकन्स आ गए थे जिसको हमने एक एक करके पहुंचा दिया उनकी जगह पे। और फाइनली वन ब्लॉक की बहुत ज्यादा माइनिंग करने के बाद यहाँ पे एक चेस्ट आ गई थी जिसमें से दिल निकल गए थे, तो हम समझ गए कि फेस चेंज होने वाला है। और वैसे उस चेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा खास सामान नहीं रखा था, तो जल्दी से सामान लिया और चेस्ट तोड़ दी, और उसके बाद यहाँ पे आ गया था बेडरॉक, मतलब फेस चेंज हो रहा है। और अब ये देखना था कि कौन सा फेस आएगा, वैसे मुझे पता था कौन सा आने वाला है। यस
ये आने वाला था केव्स वाला फेस, द अंडरग्राउंड। मतलब इस फेस में जितनी भी केव्स की चीजें होती हैं और मॉब्स होते हैं वो आने वाले हैं, जैसे डायमंड भी आ सकते हैं इसमें, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से हम माइंड करने लगे, बहुत सारे कोबलस्टोन हमने कलेक्ट किए और सबसे पहले मैंने बना लिया था एक फर्नेस जिससे हम खाना स्मेल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम वन ब्लॉक को माइन खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पे आ गए थे बहुत सारी मशरूम काउस। और गैस तुम मानोगे नहीं, ये काउस इतनी ज्यादा हेल्पफुल रही हमारे लिए पूरे एपिसोड में, एकदम मजा करा दिया इनने, कोई दिक्कत ही नहीं होने दी। तो एक एक करके हम इन काउस को सेफली इनकी जगह पे ले गए, मैंने सबसे पहले बाउल बना लिया और फिर इन मशरूम काउस से स्टू ले लिया। और अब हम बहुत टाइम तक, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा टाइम तक उसी से काम चलाने वाले थे, क्योंकि खाने की हम पे कोई जुगाड़ ही नहीं थी। फिर वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी और मशरूम काउस आ गई थी, तो जितनी अंदर जा सकती थी हमने उनको वहाँ पे पहुँचा दी और बाकियों को। उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक अलग प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पे हम चेस्ट रख सकें, क्योंकि अगर गलती से भी क्रीपर आ गया और फट गया तो भाई बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाएगा हमारा, क्योंकि सारा सामान भी चला जाएगा। तो जल्दी से मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बना लिया और वहाँ पे चेस्ट लगा दी और उसके अंदर सारा सामान रख दिया। और फिर से हम वन ब्लॉक को माइन करने में लग गए। और जैसे मैं वन ब्लॉक को माइन कर रहा था भाई, यहाँ से आ गई एक पूरी सेना ज़ॉम्बीज की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में तो एक्सी, मैं उसी से मारने लग गया। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि इनको वॉइड में ढकेल दूँ, वरना तो ये भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तो मैंने एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को वॉइड में ढकेल दिया, भाई बाल बाल बच गया। और अभी मुझे समझ आया कि जैसे जानवर इतने सारे एक झुंड में आ रहे हैं, वैसे ज़ॉम्बीज वगैरह भी तो आ सकते हैं। फिर हम लग गए दोबारा से वन ब्लॉक को माइन करने में, और इस बार वन ब्लॉक को माइन करते करते दोबारा ज़ॉम्बीज आ गए और भाई हम दोनों के पीछे पड़ गए। तो जो मेरे पीछे आए थे मैंने उन सबको तो मार दिया, भैया के पीछे पड़ गए भाई बहुत सारे, और वो जानवरों की तरफ लेके चले गए। तो मैं जल्दी से उनके पास गया और उनकी जान बचाई। भैया की कितना मदद करता हूँ वो बात अलग है, भैया व्यूज लाने में मदद करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हमें पता चल गया था कि भाई अभी तो ज़ॉम्बीज आए हैं इसलिए बच गए, अगर गलती से भी क्रीपर आया थे भाई बचने का कोई चांस ही नहीं था। तो हमने क्या किया, इस वन ब्लॉक को हर तरफ से कवर कर दिया कि कोई ज़ॉम्बी वगैरह आए भी तो अंदर ही फंसा रह जाए और उसको हम जल्दी से मार दें। और फिर वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन करने के बाद यहाँ पे आ गए थे ज़ॉम्बीज और क्रीपर, और भाई देखो क्या सही टाइम पे हमने बना दिया, अगर गलती से भी क्रीपर थोड़ा सा पहले आ जाते तो भाई सत्यानाश हो जाता। तो हमने एक एक करके इन सब ज़ॉम्बीज और क्रीपर को मार दिया। और यहाँ पे स्पाइडर्स आ गई थी, तभी रात भी होने वाली थी, मतलब रात में ये अटैक करते दिन में अटैक नहीं करते। तो हमने जल्दी रात होने से पहले इन सबको प्लेटफॉर्म से गिरा दिया और उसके बाद एक चैन की नींद ली। और सुबह होती हम दोबारा से वन ब्लॉक को माइन करने लगे, यहाँ पे स्पाइडर्स, ज़ॉम्बीज, क्रीपर और मशरूम का आ गई। तो उसके बाद हमने जल्दी से एक एक करके सबको मार दिया। फिर इन सबको मारने के बाद हमें देखा कि इनके नीचे एक चेस्ट है, उसको जैसे मैंने खोला भाई यहाँ पे रखी थी स्प्रूस सैपलिंग जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। जल्दी से मैंने स्प्रूस सैपलिंग्स को लिया, फिर हम वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन करने लग गए थे। और भैया ने एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया था जहाँ पे हम पेड़ उगा पाएंगे, वो बात अलग है, उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था उसको, मतलब बस स्टार्ट करके छोड़ दिया था। और फिर वन ब्लॉक पे आ गई थी एक स्पाइडर, तो भैया स्पाइडर को मार रहे थे, भाई उनकी एक शॉट गलती से मुझ में लगी और मैं नीचे गिर गया था सारा इंपॉर्टेंट सामान लेके। फिर मैं दोबारा से ऊपर आया, फिर से माइनिंग करने लग गया और भाई इस बार रात हो गई थी और स्पाइडर्स आ गए थे, ज़ॉम्बी क्रीपर आ गए, जल्दी से हम सबको मारने लगे। बट मारते मारते मैं नीचे टपक गया, और जब मैं नीचे टपका था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान था। तो हम अच्छे तरीके से समझ गए जो चीज़ भी माइन करो जल्दी से चेस्ट के अंदर रखे जाओ। तो हमने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग ट्रीज ग्रो किए जहाँ से हमें वुड मिले, और दूसरी तरफ जैसे हम वन ब्लॉक में कुछ हमें इंपॉर्टेंट मिलता था हम जल्दी से चेस्ट में रख के आते थे। और अब हम यही फॉलो करने वाले थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वन ब्लॉक को हम फिर से माइन करने लगे और यहाँ पे आ गए थे एक और दिल वाली चेस्ट। तो हम समझ गए फेस चेंज करने का टाइम आ गया, और उस चेस्ट के अंदर फिर से स्प्रूस वाली सैपलिंग्स और थोड़ा सा कोल रखा होता जो कि हमने ले लिया। और फिर जैसे हमने चेस्ट तोड़ी यहाँ पे आ गया था दोबारा से बेडरॉक, एक छोटा सा काउंटर हुआ, और अब हम आ गए थे थर्ड फेज में जो कि था आईसी। ये क्या है, तुंद्रा? ओ भाई ये क्या लगा है, समझ ही नहीं आ रहा। ओके, तो जैसे ही फेस चेंज हुआ वैसे नाम से पता चल गया मुझे स्नो वाली बायोम आने वाली है। तो यहाँ पे मिलेगा सारा स्नो का सामान, तो जल्दी से हम इसको भी माइन करने लगे। और इस बार एक्सपेक्टेड था कि कुछ ज्यादा खास नहीं आएगा, बस एक ही खराब चीज आएगी जो कि होता है ट्रे, यस स्ट्रे, तो बस उससे बच के रहना है। तो यहाँ पे माइन करने लगे, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा था, स्नो मिल रही थी, एक पूरा कोल का ब्लॉक ही मिल रहा था, और भी अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था, थोड़ी सी आयरन गोल्ड वगैरह मिल रहे थे। तो हमने सबसे पहले थोड़ी सी आयरन स्मेल्ट करी और जल्दी से बना ली थी एक आयरन की पिकैक्स, क्योंकि भाई आयरन की पिकैक्स हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो एक ही आयरन की पिकैक्स बनाई थी क्योंकि ज्यादा वेस्ट नहीं करना, डायमंड से भी भाई उसको केयरफुली यूज कर रहे थे हम। जैसे कोई पता ब्लॉक इंपॉर्टेंट आता था वन ब्लॉक में तो हम एक चेस्ट में रखी होती थी उससे उठा के लाते थे, वन ब्लॉक माइन करते थे और फिर दोबारा रख के आते थे, भाई इतनी केयर कर रहे थे उस पिकैक्स की। तो फिर हम जल्दी से ब्लॉक माइन कर रहे थे और यहाँ माइन करते करते आ गए थे बहुत सारे स्ट्रेस। बट भाई ये जो ट्रैपडोर्स लगाए थे बहुत ज्यादा काम आ रहे थे, तो हमने सारे स्ट्रेस को मार दिया। और इनके नीचे एक चेस्ट रखी थी जहाँ पे आयरन और एक सैपलिंग थी, मतलब फालतू की चेस्ट थी। और फिर थोड़े से वन ब्लॉक और माइन करने के बाद यहाँ पे भाई सफेद भेड़िए आ गए, और ये डायरेक्ट आते ही भाई सारे जानवरों की तरफ चले गए और यहाँ पे जितनी भी भाई चिकन थी सबको मार दिया। यार मुझे चिकन से इतनी सही लगती है ना,
ने सबको खत्म कर दिया भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। और ये देखो भाई कैसे आराम फरमा रहे हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, इनने चिकन्स मार दी एकदम मौज में। तो भाई फिर क्या था, मेरा खून खोल गया और बाकी तो तुम लोगों को पता ही है। और जब मैंने स्ट्रेस को मारा था तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी बोन्स मिल गई थी, तो मुझे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने एक छोटा सा सिस्टम बनाया, वहाँ पे एक पानी की बकेट डाली जो कि मुझे बहुत पहले मिली थी, और यहाँ पे थोड़ा सा बोन मिल छिड़का जहाँ से थोड़ी सी ग्रास ग्रो हो गई, जिससे पता क्या होता है, इससे हम सिंगल बकेट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं। और जब तक मैं ये कर रहा था भैया वन ब्लॉक माइन कर रहे थे, और वन ब्लॉक माइन करते करते यहाँ पे आ गए थे काफी सारे पोलर बियर, और ये डायरेक्ट एनिमल्स की तरफ जाने लगे। भाई मैं सोचने लगे अब किसको मारेंगे भाई यार, किसी काम के जानवर को ना मार दें। उसके बाद मैं चला गया था स्प्रूस के ट्रीज की लीव्स को थोड़ा सा तोड़ने, इस उम्मीद में कि थोड़ी सी सैपलिंग्स मिल जाए। और भैया वन ब्लॉक तोड़ रहे थे, लेकिन वन ब्लॉक तोड़ते तोड़ते भाई एक अजीब सी आवाज आई, बीवेयर अ मॉन्स्टर पार्टी। भाई मैं समझ गया कुछ खतरनाक होने वाला है, यहाँ पे आ गए थे बहुत सारे स्ट्रेस और ज़ॉम्बीज, वो भी पूरे आर्मर और टूल्स वेपन सबके साथ। भाई इनने हाथी तहलका मचा दिया और बहुत बुरी तरीके से मार दिया, मैं लिटरली यहाँ पे एक बार मरा तो जैसे ही स्पॉन हुआ दोबारा से मर गया, और ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि वो लोग खुद ही डिस्पॉन हो गए थे, हमने किसी को कुछ नहीं मारा। तो हम दोबारा से वन ब्लॉक माइन करने लग गए थे, लेकिन हम भूल गए थे कि हमने इसको कवर नहीं किया है, और यहाँ पे आ गए थे काफी सारे स्ट्रेस। हमें इनको मारने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि इनने एक दूसरे को मार दिया था, और वो देखो भैया को एकदम भाई चिल पानी में मजे कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी आए। तो हम दोबारा से वन ब्लॉक माइन करने लगे, और यहाँ पे आ गई थी इस बार डार्क ओक की सैपलिंग जो कि ठीक ठाक लगती है, तो मैंने इनको रख लिया, और फिर सारा सामान मैं चेस्ट में रखते आ रहा था बार बार। उसके बाद थोड़े से और पोलर बियर आ गए थे, तो हमने सोचा चलो पोलर बियर को अंदर ही ले चलते हैं, तो हमने उनके लिए रास्ता बनाया। और भाई जैसे पोलर बियर अंदर गए, व्हाइट कलर की जो फॉक्सेस में कुत्ता भरा है ना, मैं क्या बताऊं भाई तुम लोगों को, एकदम मजे में सारी फॉक्सेस को मार दिया, और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये क्योंकि भाई उन्होंने चिकन्स को मारा, अच्छा हुआ। उसके बाद हमने हॉस्टाइल मॉब से बचने के लिए एक बहुत सारा टाइट सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे लगाया, देख सकते हो तुम लोग, जिससे हम थोड़ा सा बच सके इन सारे मॉब से। और फिर हम दोबारा से लग गए वन ब्लॉक को माइन करने में, क्योंकि हमको और क्या काम है वन ब्लॉक में, इसको माइन करो बस। और थोड़ा सा माइन करने के बाद यहाँ पे आ गई थी दिल वाली चेस्ट, तो इसमें थोड़ा सा सामान रखा था जो कि हमने ले लिया, और हो गया था दोबारा से फेस चेंज। और इस बार जो फेस आया था वो था ओशियन का फेस, तो जैसे फेस चेंज हुआ वन ब्लॉक की माइनिंग में लग गए, और भाई बस आधी मिनट ही हुई होगी कि यहाँ पे आ गया था डायमंड, भाई इस वर्ल्ड का पहला डायमंड था। तो जल्दी से मैं अपने सीक्रेट चेस्ट से एक आयरन की पिकेक्स लेके आया, यस ऐसे छुपा के रखता हूँ मैं, और फिर इस डायमंड को माइन किया, और उससे मुझे मिल गई थी डायमंड वाली एडवांसमेंट। और तुम लोगों को अभी क्या लग रहा है मैं क्या करूंगा, इसको जाके एकदम सेफली रख दूंगा? नहीं, तुम लोगों को गलत लग रहा है, सबसे पहले मैंने इसको भैया को दिया ताकि उनको भी एडवांसमेंट मिले, देख रहे हो कितने तेज दिमाग चल रहा है हमारा। उसके बाद हमने पिकेक्स और डायमंड को सेफली चेस्ट के अंदर रख दिया, और दोबारा से हम वन ब्लॉक को माइन करने में लग गए। यहाँ से काफी सारी सैंड और अलग अलग सामान मिला था, आयरन मिल रही थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और एक बार तो गोल्ड का ब्लॉक ही आ गया। और ऐसे हम माइन कर रहे थे, और माइन करते करते यहाँ पे काफी सारे टर्टल्स आ गए थे, तो उनको एक एक करके हमने अंदर पहुंचा दिया। और वन ब्लॉक को थोड़ा सा माइन करने के बाद एक चेस्ट आ गई थी जहाँ पे थोड़ा सा सामान रखा हुआ था, और उसके बाद एक और डायमंड आ गया था। भाई दो दो डायमंड हो गए, क्या बात है। फिर ऐसे डायमंड वगैरह आते रहे, तो फिर हमारे लिए डायमंड थोड़ा सा कॉमन हो गया, और आयरन भी कॉमन हो गया था, तो एकदम खुलकर आयरन की पिकेक्स यूज कर रहा था मैं। और फिर वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन करने के बाद यहाँ पे आ गए थे थोड़े से गार्डियंस, और भाई गार्डियंस को तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही नीचे गिर गए। फिर हम दोनों दोबारा से लगे वन ब्लॉक को माइन करने में, और इस बार माइन करते करते आ गए थे एल्डर गार्डियंस, मतलब बड़े वाले गार्डियंस ये खुद ही भाई ये खुद ही गिरे जा रहे हैं। उसके बाद वन ब्लॉक को माइन करते करते बहुत सारे ऐसे मॉब्स आ रहे थे जो हमें ढकेल के बाहर गिरा सकते थे, इसलिए हमने एक बाउंड्री बना दी जिससे हम बाहर ना गिर जाएं गलती से, और बचे रहें जिससे हमारा सामान ना जाए। और फिर वन ब्लॉक को माइन निकाल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चेस्ट आ गई भाई, इसने अचानक से मुझे डरा दिया था। तो ये थी एक म्यूजिकल चेस्ट, और इसके अंदर थोड़ा सा सामान था जो बिल्कुल भी काम का नहीं था। फिर हम दोबारा से वन ब्लॉक को माइन कर रहे थे, और माइन करते करते भाई यहाँ पे फिर से हो गई थी मॉन्स्टर पार्टी। तो भाई मैं वहां से बहुत जल्दी भग के आ गया, और भैया भी आ गए, और हम सेफली भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा इजिली बच गए थे, पर बस एल्डर गार्डियन से बचना था जो कि लेजर लाइट से छोड़ रहा था अपनी, दूर से मारने की कोशिश कर रहा था, बट हमें भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हम इजिली भाई सर्वाइव कर लिया। बस वो बात अलग है कि एक नॉर्मल गार्डियन ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा। फिर हम दोबारा से लग गए थे वन ब्लॉक को माइन करने में, और यहाँ पे आ गए थे एक बार बहुत सारे ड्रोन, और हमने उनको एक एक करके सबको मार दिया। और फिर भैया बोले तो उनको ट्राइडेंट मिल गया, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे, लेकिन सच्ची में उनको ट्राइडेंट मिल गया था जिसकी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, बट कोई बात नहीं भाई, ट्राइडेंट वैसे ही बहुत रेयर होता है ना, हम पे लूटिंग ना कोई अच्छी सॉर्ड तो भी मिल गया भाई स्टोन की सॉर्ड से ट्राइडेंट। फिर वन ब्लॉक को माइन करते करते बहुत सारा हमारे सामने अलग अलग सामान आ रहा था, जस्ट बहुत सारी चेस्ट आ रही जिसमें अजीब अजीब सा सामान रखा था, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु आ जा रहे, लेकिन फाइनली आ गई थी एक दिल वाली चेस्ट, यानी अब टाइम था नेक्स्ट फेज में जाने का। वैसे दिल वाली चेस्ट में कुछ ज्यादा खास नहीं रखा था, बस कुछ फिशेस की टाइप्स रखी थी बकेट के अंदर, तो वो हमने ले लिया। और जैसे चेस्ट तोड़ी
फिर से एक काउंटर चालू हो गया जो हमें ले जाएगा नेक्स्ट फेज में, और इस बार ये फेज था जंगल डंजन का। तो हम वन ब्लॉक को माइन करने लग गए। यहाँ पे एक और डायमंड आ गया था जो कि हमने माइन कर लिया, रेडस्टोन का ब्लॉक, कोल, यहाँ पे अच्छा अच्छा सामान आ रहा था वैसे। तब एक केव्स वाली बायोम में आता ज्यादातर वही आ रहा था, और यहाँ से हमको काफी सारे डायमंड मिल गए थे। और माइन करते करते यहाँ पे एक बार पैरेट्स भी आ गए थे। भाई साहब बहुत सारे पैरेट्स आ गए, तो मैंने सोचा इनमें से कुछ को टेम कर लेते हैं। तो जल्दी से मैंने एक पैरेट को टेम कर लिया था, और टेम करने के बाद मैंने उसको एक सेफ जगह पे बैठा दिया। फिर हम दोबारा से लग गए थे वन ब्लॉक की माइनिंग में, और वन ब्लॉक की माइनिंग करते करते यहाँ पे आ गई थी बहुत सारी वैक्सेस। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से आ गई, ये कब होती है जंगल बायोम में। और मैं गाइस बहुत बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि ये मारते हैं बहुत बुरे तरीके से, और हम पे आर्मर भी नहीं है। तो मैं वहां से जल्दी से भाग गया, और वैक्सेस ने भैया को मार दिया और फिर मुझे भी मार दिया, और फिर यही सिलसिला थोड़ी देर चलता रहा। फिर फाइनली ये वैक्सेस चली गई, वरना तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था भाई, बहुत बुरी तरीके से मारता ऐसे घूर के, रो क्या मतलब मैं मान नहीं पाता, मुझे गुस्सा आ रहा था। अभी पहले ले तब वो तो अच्छा हुआ चले गए, लेकिन एक अच्छी बात थी कि मैं मरने से पहले सारे टूल्स एक चेस्ट के अंदर रख गया था, इसलिए वो मेरे सारे टूल्स और जितना भी सामान था वो बच गया था। फिर हम दोबारा सेवन ब्लॉक की माइनिंग में लग गए। यहाँ पे एक चेस्ट आई थी जिसके अंदर बैम्बू और कुछ सामान रखा हुआ था जो कि हमने ले लिया, और फिर माइनिंग कर रहे थे हम। और माइनिंग करते करते यहाँ पे भाई बहुत सारे पांडास आ गए, लिटरली भाई पांडास कितने क्यूट दिखते हैं, और यहाँ पे तो इतने सारे थे। तो हम उनको बाकी एनिमल्स के पास ले आने लगे, और पहला पांडा ले आते ही भाई मैं गलती से गिर गया। फिर मुझे याद आया भाई मेरे पास तो बैम्बू है, तो इजीली मैं सारे पांडास को अंदर लेके चला गया। और फिर हम दोबारा से वन ब्लॉक माइनिंग करने लगे, यहाँ पे घोड़े आ गए जिनको हमने अंदर कर दिया। और फिर हम दोबारा से वन ब्लॉक माइनिंग करने लगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के जीव जंतु आ गए, बट मेन वैक्सेस आ गए भाई दोबारा से। वैक्सेस पर मुझे इस बार अपना पूरा गुस्सा दिखाना था, तो दिखा नहीं पाया, मैं मर गया। फिर हम दोनों ने एक चीज डिसाइड कर ली कि वैक्सेस से तो हम मर जाते हैं और उनको मार भी नहीं पाएंगे, तो एक ऐसी जगह बना देते हैं जब जैसी वैक्सेस आए हम वहाँ पे घुस जाएं और मर भी जाएं तो सामान अंदर ही एक कमरे में रहेगा। तो मैंने वो चेस्ट रूम को ही पूरे हर तरफ से कवर कर दिया। तो हमारा प्लान था जैसी वैक्सेस आएंगे हम इस कमरे में घुस जाएंगे, वैक्सेस ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मारी तो देंगे, सामान तोड़े ना ले जाएंगे, सामान तो अंदर पड़ा रहेगा। तो ये हमने बहुत अच्छा डिसीजन बना लिया था। और फिर हम दोबारा से लग गए थे वन ब्लॉक को माइन करने में, और यहाँ पे दोबारा से काफी सारे वैक्सेस आ गए थे। तो मैं भाई इतनी स्पीड में भग गया अपने चेस्ट रूम में कि वैक्सेस मुझे ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाई। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी देर एफ के खड़ा हो लूँ तो सारी वैक्सेस डिस्पन हो जाती थी, जो कि एक बहुत बढ़िया बात थी। तो उन वैक्स के डिस्पन होने के बाद मैं फिर से करने लग गया था वन ब्लॉक की माइनिंग, और इस बार हो गई थी मॉन्स्टर पार्टी। तो भाई मैं बहुत तेज भाग के गया जैसे मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट हुई थी, और उसी कमरे के अंदर घुस गया। अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था, भैया भी आ रहे थे, उनके लिए मैंने गेट ही बंद कर दिया और मर गए। तो यहाँ पे जितने भी गार्ड्स वगैरह था उनका बस मैं डिस्पन होने का वेट कर रहा था, क्योंकि ये मॉन्स्टर पार्टी के जितने भी मॉब्स होते हैं वो एक टाइम के बाद डिस्पन हो जाते हैं सारे। तो बस हम वेट कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद जैसे वो डिस्पन हो गए तो हम वन ब्लॉक की माइनिंग में लग गए। और वन ब्लॉक की माइनिंग करते करते एक चेस्ट आ गई थी जिसके अंदर डायमंड रखा था, जो कि ले लिया हमने। और फिर बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद यहाँ पे फाइनली आ गई थी दिल वाली चेस्ट, और दिल वाली चेस्ट के अंदर रखे थे दो डायमंड्स, बहुत सारे बेम्बूस और दो जंगल सैपलिंग जो कि हमने ले ली। और फिर चेस्ट को भी माइन कर दिया, और फिर से एक काउंटर स्टार्ट हो गया था जिसका मतलब था नेक्स्ट फेज आने वाला है। और मैं देखना चाह रहा था कौन सा होगा नेक्स्ट फेज, तो ये फेज था एक रेड डेजर्ट का, मतलब बैडलैंड्स बायोम, हाँ तो शायद इसी का था, जिसमें रेड सैंड होती है। तो हम जल्दी से माइनिंग करने लगे, माइनिंग करते करते इसमें भी अच्छी लूट आने लग गई, जैसे डायमंड्स, रेडस्टोन, कोल और आयरन इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहे थे। तो हम सबको माइन करने लगे, और हम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से माइनिंग कर रहे थे, और भाई यहाँ पे एक पूरा एमराल्ड का ब्लॉक आ गया। लिटरली भाई मुझे तो पता भी नहीं था ऐसे एमराल्ड के ब्लॉक्स भी आ जाते हैं। तो हम इस फेज में एकदम बड़े तरीके से माइनिंग कर रहे थे, यहाँ पे काफी सारे लामास आ गए थे जिनको हमने पहुंचा दिया, और डायमंड्स तो मिल ही रहे थे लगातार। और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग करते करते लिटरली तुम लोग सोचोगे नहीं क्या हुआ भाई, यहाँ पे आ गए थे बहुत सारे विलेजर्स। तो इनको ऐसे तो किसी भी जगह पर नहीं रख सकते, इसलिए मैंने इनके लिए एक अलग ही रूम बना दिया जहाँ पे हम इनको रखेंगे। और रूम बनाने के बाद इन सारे विलेजर्स को वहाँ पे ले गए वर्क स्टेशन की हेल्प से, इजीली सारे विलेजर वहाँ पे पहुंच गए। और अब फाइनली भाई अपने पास विलेजर भी थे, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली थी। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज का मैं वेट कर रहा था वो था लावा, क्योंकि हमारे पास पानी पहले से ही है और लावा हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा बहुत सारा कोबलस्टोन जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हम फिर से करने लग गए वन ब्लॉक की माइनिंग, जस्ट नेदर के फेस का वेट कर रहे थे हम। और माइनिंग करते करते यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए
गए थे जो कि कुछ भी ज्यादा खास अच्छा दे नहीं रहते, लेकिन कुछ डाइस थी और कुछ ड्रिपस्टोन वगैरह मैंने इनसे ट्रेड कर लिया जो कि थोड़ा सा काम आ सकता है, और फिर सारे ट्रेडर्स को हमने मार दिया। और फिर यहाँ पे आ गए थे बहुत सारे वेंडिकेटर्स पलाड़ी लेके, तो भाई मैंने इनको एक एक करके मार दिया और यहाँ से काफी सारे एमराल्ड्स भी मिल गए थे मुझे। और फिर वन ब्लॉक माइन करते करते यहाँ पे एक खाली चेस्ट आ गई थी जिसके अंदर रखा था एक म्यूल का एग। अगर तुम लोगों को म्यूल नहीं पता तो मैं बताऊं, खच्चर होता है भाई म्यूल, फैंसी जानवर नहीं, खच्चर होता है वो। और हाँ, मुझे एक मशरूम काऊ का भी एग मिला था, वो मैं दिखाना भूल गया, सॉरी। और फिर हम वन ब्लॉक की थोड़ी सी और माइनिंग कर रहे थे और यहाँ पे हो जाती एक और मॉन्स्टर पार्टी, तो हम दोनों जल्दी से बक्के आते अपने चेस्ट रूम के अंदर। और भाई ये वाली मॉन्स्टर पार्टी में कुछ ज्यादा दम नहीं था, देखो हमने कितने बुरी तरीके से मारा है इन सारे मॉन्स्टर पार्टी के मॉन्स्टर्स को, इसलिए भाई इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उन सबको मारने के बाद हमने वन ब्लॉक थोड़ा सा और माइन किया और थोड़े से और विलेजेस आ गए थे जिनको हम बाकी विलेजेस के पास लेके चले गए थे। और फिर हम वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन कर रहे थे और यहाँ पे आ गए थे एक प्लेजर कैप्टन। प्लेजर कैप्टन को हमको मारना नहीं था क्योंकि ये रेड करा सकता है, तो मैंने क्या किया, एक बकेट बना ली और उसमें मिल्क भर दिया, जिससे मैं जैसे ही इसको मारूं और मुझ पर इफेक्ट चढ़े बैड वुमन का तो मैं मिल्क पी लूं और उससे मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, मतलब बैड वुमन हट गया है। लेकिन जैसे मैंने इसको मारा भाई रेड स्टार्ट हो गई। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे रेड स्टार्ट हो जाएगी, मुझे लगा था जब मैं विलेजेस के पास जाऊंगा तभी होगी, बट रेड स्टार्ट हो गई। अब एकदम तैयार रहना था हम दोनों को, तो हम दोनों तो एकदम तैयार थे। तो पहली रेड की वेव आई जो कि हमने इजिली डिफीट कर दी, फिर दूसरी आई वो भी इजिली डिफीट कर दी, और तीसरी में वेंडिकेटर्स आए थे तो मैं एक दो बार मर गया, और उससे पहले भी मैं एक दो बार मर गया था लेकिन इंडिकेटर को भी मार दे। और तीसरी वेव के बाद ही भाई रेड खत्म हो गई और हम हीरो ऑफ द विलेज बन गए। भाई हार्डकोर मोड में तो कितनी सारी वेव्स आ जाती हैं और इवोकल तो आया ही नहीं इस रेड में, भाई टोटम मिल जाता तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर हम दोबारा से लग गए वन ब्लॉक की माइनिंग में क्योंकि अभी हम पे कोई काम ही नहीं है जब तक लावा नहीं आ रहा। तो जैसे हम माइन कर रहे थे यहाँ पे आ गया तो दोबारा से प्लेजर कैप्टन, और इस बार भैया ने मार दिया था उस प्लेजर कैप्टन को, तो फिर से एक रेड हुई जिसमें इजिली हमने सबको मार दिया और हीरो ऑफ द विलेज मिल गए, लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं था। तो हम वन ब्लॉक माइन कर रहे थे और फाइनली दिल वाली चेस्ट आ गई, बोआ फेज चेंज, और इस बार फाइनली आ गया था नेदर फेज, मतलब अब लावा कभी भी आ सकता है, इसका हमें बहुत टाइम से वेट था। तो हम जल्दी से नेदर फेज में माइनिंग करने लगे और भाई माइनिंग करते करते लिटरली भाई एंशिएंट डेब्रिस आ गया, मुझे नहीं पता था एंशिएंट डेब्रिस भी आ जाएगा। फिर हम दोबारा से लग गए थे वन ब्लॉक की माइनिंग में और यहाँ पे भाई बहुत सारे मैग्मा क्यूब्स आ गए, और इससे मैं मरने से बाल बाल बचा, बस हाफ हट पे सर्वाइव कर गया था। और फिर दोबारा से लग गए थे माइनिंग करने में और यहाँ पे आ गए थे भाई बहुत सारे हॉगलिंस, और बहुत पूरी तरीके से मारा उन्होंने मुझे, और फिर वो जॉगलिन बन गए तो और पूरी तरीके से मारा उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डिस्पन हो गए थे। तो हम वन ब्लॉक की दोबारा से माइनिंग करने लगे, लेकिन इस बार ब्लेस आ गए भाई, ब्लेस तो हम पे आग छोड़ने लगे भाई, उनको मारने में सही में दम निकल गई, तो मैं तो उनको मार ही नहीं पा रहा था, तो मैंने एक जगह छोटा सा कवर बना लिया और उसी के अंदर बैठ गया मैं। बट ब्लेसेस ने हमारे पेड़ पे आग लगा दी थी और पेड़ से जो हमारा फार्म था एनिमल फार्म उसमें भी थोड़ी सी आग लगी थी जिससे बहुत सारे जानवर मर गए थे और बहुत कम ही जानवर बचे थे। तो जैसे ब्लेज डिस्पन हुए हमने सारे जानवर को उस फार्म में दोबारा से डाला और जो हमारा वन ब्लॉक था उसको एक कमरे में हर तरफ से बंद कर दिया जिससे जो भी मॉब अंदर आए वो किसी भी बाहर वाले जानवर को अफेक्ट ना करे। फिर हम दोबारा से लगे थे माइनिंग में, फिर ये सारा काम करने के बाद मैं चला गया था सोने और भैया माइनिंग ही कर रहे थे, लेकिन तभी आ गई थी एक चेस्ट जिसके अंदर रखी थी दो दो लावा बकेट। फाइनली आ गई थी भाई लावा जो कि हमारे पूरे वन ब्लॉक को बदल सकती थी। तो लावा के बकेट आते ही हमने वन ब्लॉक को माइन करना बंद कर दिया और सीधे चले गए हम सोने। हाँ, तो सो के जैसे उठे फिर हमें एकदम जोश था, तो फिर मैंने क्या किया एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम पेड़ ग्रो करेंगे और उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सैपलिंग्स लगा दी, बहुत सारे पेड़ उग गए। और जब तक वो पेड़ उग रहे थे मैंने एक छोटा सा दूसरा और प्लेटफॉर्म बना दिया जो था हमारे लिए कोबलस्टोन जनरेटर, जहाँ से हम कोबलस्टोन माइन करके बहुत सारा कोबलस्टोन ले सकते थे। और फिर जैसे ही कोबलस्टोन जनरेटर पूरा कंप्लीट हो गया था हम चले गए थे डायरेक्ट 7 डेज के AFK के लिए, जहाँ से हमें बहुत सारा कोबलस्टोन मिल गया था, हमारी एक पूरी डबल चेस्ट भर गई थी कोबलस्टोन से और इससे हमारी बहुत सारी हेल्प होने वाली थी। तो अब हमारे पास कोबलस्टोन तो था, तो अब टाइम था कुछ बिल्ड करने का। तो सबसे पहले हमने एक वन ब्लॉक के एकदम सीधे रास्ता बनाया और रास्ते के राइट साइड में भी थोड़ा सा एक रास्ता टाइप बना दिया और वहाँ पे हम बनाने लग गए थे XP फार्म, जहाँ से हमें बहुत सारे XP और अदर यूजफुल रिसोर्सेज मिलने वाले थे। तो या बिना टाइम वेस्ट किए हमने XP फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली XP फार्म पे पूरा काम खत्म होने ही वाला था, लेकिन हमारे कोबलस्टोन खत्म हो गए और सेकंड हमें यहाँ पे ट्रैपडोर्स लगाने थे जिसके लिए हम लकड़ी लाने ही भूल गए, और अभी हो रही है रात जिससे हम नीचे भी नहीं जा सकते, देखो भाई कितने सारे मॉब्स हैं। तो फिर हमने वेट किया और जैसी रात बीत के सुबह हुई तो हम जल्दी से चले गए थे नीचे, और भाई वहां से भागते भागते मैं आ गया था अपने बेस पे। और फिर नीचे आने के बाद सबसे पहले हमने बहुत सारे ट्रीज को तोड़ा जहाँ से वुड मिल जाएगी और उससे हम बना लेंगे ट्रैपडोर्स। और फिर बहुत सारे ट्रीज को तोड़ने के बाद हमने दोबारा से काम चालू कर दिया अपने XP फार्म पे।
तो गाइस फाइनली एक्सप्लॉम बन के एकदम रेडी हो गया और देख सकते हो भाई एकदम मस्त तरीके से ये काम कर रहा है। और क्योंकि हर तरफ वॉइड है, मतलब कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं, तो सारे मॉब एक्सप्लॉम फार्म के अंदर ही स्पॉन हो रहे हैं, जो कि एक्सप्लॉम फार्म का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। और अभी तो हमारे पास ज्यादा आयरन नहीं है, इसलिए हमको खुद ही कलेक्ट करना पड़ रहा है जितना भी सामान यहाँ पे है। फिर मैं और भैया इस फार्म पे थोड़ी देर एफ के रहते हैं, फिर मैं भैया को बोल देता हूँ कि आप इस पर एफ के रहो थोड़ी देर, जब तक मैं एक और चीज बना रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ हमारे पास ऑलरेडी स्प्रूस की सैपलिंग है, तो क्यों ना मैं एक ट्री फार्म बना लूँ। तो या बिना टाइम वेस्ट किए मैं ट्री फार्म बनाना भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली ट्री फार्म बनके भी एकदम रेडी हो चुका है। वैसे ये स्प्रूस की सैपलिंग नहीं है, ये है डार्क ओक की सैपलिंग जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, बट ये फार्म है मेन स्प्रूस की सैपलिंग के लिए, क्योंकि स्प्रूस का जब फोर सैपलिंग्स वाला पेड़ होता है भाई, वहाँ से लगभग एक स्टैक वुड मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा सही होता है। फिर उसके बाद इस वुड फार्म पे थोड़े से मैं और ट्रीज तोड़ दूँ, और उसके बाद चलाता हूँ अपने कोबलस्टोन फार्म पे थोड़ी देर एफ के रहने के लिए, क्योंकि अभी हमको कोबलस्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर जैसे हम बहुत सारा कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे दिमाग में आता है क्यों ना मैं एक आयरन फार्म बनाऊं, क्योंकि विलेजर्स तो आ ही गए हैं और स्ट्रिंग की व्यवस्था तो एक्सपी फार्म से हो जाएगी। तो मैं जितना भी सामान उसके लिए रिक्वायर्ड होता है सारा सामान कलेक्ट करने लग जाता हूं, और थोड़ी देर बाद ही सारा सामान मेरा कलेक्ट हो जाता है जो जो आयरन फार्म बनाने के लिए काम आएगा। तो मैं जल्दी से सारे सामान को लेता हूं और आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूं। तो गाइस मेरा आयरन फार्म बनके तो एकदम रेडी हो गया होता है, बस उसके अंदर अभी विलेजेस नहीं है जो कि मेन चीज है, और अभी एक ज़ॉम्बी भी नहीं डाला मैंने। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा गोल्ड स्मेल, जिससे मैं रेल्स बनाऊंगा और विलेजेस को विलेज से लेके आयरन फार्म तक ले जाऊंगा, जिससे आयरन फार्म काम करने लग जाएगा। तो फाइनली गाइस आयरन फार्म के अंदर आ चुके हैं तीनों विलेजर, अब बस एक ही काम रहेगा कि इसमें ज़ॉम्बी को भी बंद करना, जो कि हम अपने एक्सपी फार्म से उठा लेंगे। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, एक्सपी फार्म के अंदर से एक ज़ॉम्बी उठाया, और फिर जैसी रात हो गई थी उस ज़ॉम्बी को लेकर चला गया था अपने आयरन फार्म के अंदर, और फिर वो ज़ॉम्बी आयरन फार्म के अंदर खुद ही ट्रैप हो गया और मैंने उसको वहां पे बंद कर दिया। और यहां पे आयरन गोलम स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुके थे, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज थी। लेकिन अभी ये आयरन फार्म पूरा बना नहीं था, तो मैंने जल्दी से इस आयरन फार्म को पूरा बना दिया, और यहां पे मैंने लावा भी लगा दिया जिससे आयरन गोलम खुद से मर जाए। बट अभी पता है सीन क्या, मेरे पास एक भी आयरन नहीं हॉपर्स बनाने के लिए, तो अभी थोड़ी देर मुझे यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा आयरन कलेक्ट करने के लिए, जो जो गोलम्स मरेंगे उनकी। तो थोड़ी देर मैं वहीं पर खड़ा रहा थोड़ी सी आयरन कलेक्ट करने के लिए, जितनी भी गोलम के मरने के बाद आती है। तो बहुत सारे गोलम यहाँ पे मर रहे थे, एकदम फार्म अच्छे से काम कर रहा था, और जैसे ही मुझ पे इतनी आयरन हो गई जिससे मैं हॉपर्स बना सकता हूं, तो जल्दी से मैं हॉपर बना के लाया और इस आयरन फार्म पे लगा दी, जिससे अब मुझे यहाँ पे ज्यादा देर तक खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने हॉपर्स लगाए थे और मैं दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, भाई गलती से मैंने गोलम को मार दिया, और गोलम ने भाई बहुत बुरी तरीके से मुझे ऐसा चाटर लगाया, मैं उड़ता हुआ चला गया, बट भाई मैं बाल बाल बच गया मरने से। जैसे उसने मारा लिटरली मुझे तो लगा था मैं मर गया, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भाई मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे लेडर से भी मैं बच सकता हूँ, मैं भाई बाल बाल बच गया। फिर मैंने जल्दी से अपनी हेल्थ चढ़ाई और फिर मैं हो गया था इस फार्म पे थोड़ी देर एफ के। और एफ के होने के बाद जैसे मैंने चेस्ट चेक करी, तो यहाँ पे थी 2 स्टैक आयरन, जो कि भाई मेरे लिए तो बहुत ज्यादा थी। तो जल्दी से मैंने अपने लिए एक पूरा आयरन का आर्मर बना लिया और उसको पहन लिया, भाई पहली बार पूरे आयरन के आर्मर में कवर हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिए थे सारे आयरन के टूल्स, और बचा कुछ आयरन भैया को दे देता जिससे वो अपने लिए आयरन के आर्मर और टूल्स वगैरह बना ले। और भाई फाइनली बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था आयरन के आर्मर में कवर होने के बाद, और आयरन के टूल्स भी पहली बार यूज कर लूंगा सारे में, वरना अभी तक किए ही नहीं था मैंने एक भी टूल। उसके बाद मैं चला गया था अपने एक्सपी फार्म पे और उसके नीचे लगा दिया था फाइनली हॉपर, मतलब अब हमें खुद से सामान कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अब हॉपर रख देगा चेस्ट में सामान। फिर मैं जल्दी से चला गया था विलेजर्स के पास और वहां जाके उनके सारे बैरल्स हटा दिए थे जिनसे उन्हें जॉब मिली थी, और बाकी अलग अलग वर्क स्टेशन लग दिए थे जिससे मैं उनको आयरन बेच सकूं और उनसे मुझे एमराल्ड्स मिल जाए जिससे मैं डायमंड के टूल्स और आर्मर ले लूं उनसे। और यहां मैं करने लगा था सारे विलेजर्स से ट्रेड, और लिटरली मैंने बहुत सारे ट्रेड करी इन विलेजर्स से। मेरे पास जितना भी सामान रखा हुआ था चेस्ट में और आयरन मेरे पास जितनी भी थी, मैं सब इन सारे विलेजर्स को बेचता ही जा रहा था, जहां से मुझे काफी सारे एमराल्ड्स मिलते जा रहे थे। और फाइनली मैंने उससे एक ले ली थी डायमंड की एक्स और एक डायमंड की पिकएक्स। फिर मैंने बहुत सारी और ट्रेडिंग करी और बहुत ज्यादा देर तक एएफके भी रहा आयरन फार्म पे। और उसके बाद फाइनली मैंने एक और डायमंड की पिकएक्स ले ली थी अच्छी वाली, और एक डायमंड की सोल ले ली, और एक पूरा डायमंड का आर्मर ले लिया, और मेरे सारे एमराल्ड्स एग्जैक्टली पूरे खत्म हो गए थे भाई, एक भी एमराल्ड नहीं बचा था मेरे पास अब, जिससे मैं भैया के लिए डायमंड का आर्मर ले लूं। और फाइनली मैं पूरा डायमंड के आर्मर में कवाता डायमंड के टूल्स के साथ। फिर मैंने सोचा चलो अब टाइम है घर बनाने का, लेकिन उसके लिए सामान तो चाहिए। तो सबसे पहले मैं आ गया था अपने ट्री फार्म पे और वहां
वहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म था पेड़ लगाने का, तो मैंने एक से दो बना दिए थे जिससे भैया भी और मैं भी सेम टाइम पे ट्रीज चॉप कर रहे और वहाँ से वुड आ जाए। तो मैंने दो प्लेटफॉर्म बना दी और फिर हम दोनों ने इस फार्म पे बहुत देर तक ट्रीज को तोड़ा और वहाँ से काफी सारी वुड कलेक्ट कर ली थी। और फिर हम चले गए थे अपने कोबलस्टोन फार्म पे एफ करने के लिए और कोबलस्टोन तोड़ने के लिए, लेकिन हमारे पास जो हम घर बनाने वाले हैं उसके लिए बहुत सारा कोबलस्टोन चाहिए, तो मैंने भैया को इसी फार्म पे लगा दिया एफ के रहने के लिए। और वैसे भी वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता मेरी उस घर को बनाने के लिए, तो या बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली अपना नया घर बन के एकदम रेडी हो चुका है। और ये घर नहीं बाय द वे, ये एक कासल और देखने में लिटरली मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देखो इन्हें ये है उसकी वो। और हाँ, जब तक मैं इस कासल को बना रहा था तो आयरन फार्म भी एकदम बराबर काम कर रहा था और देख सकते हो भाई कितनी सारी आयरन ऑलरेडी आ रखी है हमारे पास। तो जल्दी से मैं सारी आयरन को लेकर चला गया था विलेजर्स के पास और उनसे कर लेते थे एमरल्ड्स की ट्रेड। और जितनी भी एमरल्ड्स मुझे वहां से मिले थे उससे मैंने भैया के लिए एक हेलमेट खरीद लिया था डायमंड का और एक डायमंड की सॉर्ड खरीद ली थी। फिर हम फाइनली दोबारा से चले गए थे वन ब्लॉक के पास और वहां करने लगे थे वन ब्लॉक की माइनिंग। और यहाँ पे माइन करते करते एक एंशिएंट डेब्रिस आ गया था और हम दोबारा से फिर माइनिंग कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कुछ ज्यादा क्रेजी आने का। और ऐसे वन ब्लॉक को माइन करते करते यहाँ पे नेदर के बहुत सारे मॉब्स जिसमें कास्ट भी थी मैग्मा भी थे। तो जल्दी से ये जो कमरा था मैं उससे बाहर निकला और जैसे बाहर निकला हमें एक एडवांसमेंट मिली जो कि थी अनइजी अलायंस। भाई ये इतनी इजीली मिल गई, देखा लोग इतनी मेहनत करते नेदर पोर्टल से कास्ट को निकालते हैं, मैंने तो इतनी इजीली प्राप्त कर ली। फिर एक एक करके जितने भी यहाँ पे मॉब्स थे उन सबको मारा और फाइनली अब भैया भी पूरे डायमंड के आर्मर में कवर हो चुके थे, मतलब पूरे डायमंड का आर्मर आ गया था और सारे डायमंड के टूल्स भी आ गए थे। और फिर हम लग गए थे वन ब्लॉक को माइन करने में और फाइनली वन ब्लॉक में आ गई थी दिल वाली चेस्ट, मतलब नया फेज आने वाला है। और इस दिलवाली चेस्ट में बाय द वे तीन नेदरराइट के स्क्रैप थे जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ से हमने सारा सामान लेके एक अलग जगह पर रख दिया और फिर स्टार्ट हो गया था एक नया फेज जो कि था पता नहीं कौन सा फेज है। तो स्टार्टिंग में तो ये फेज समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भाई जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे थे लिटरली भाई इसमें क्या सामान मिल रहा था, जैसे डायमंड, एंशिएंट डेब्रिस, गोल्ड, आयरन और एमरल्ड्स, यही सामान मिले आ रहा था पूरे इस फेज में। भाई कोई भी दिक्कत ही नहीं हो रही थी, हम तो बहुत ज्यादा इजिली इसको पास कर पा रहे थे। तो भाई बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। फिर मैंने भैया को थोड़ा सा काम पे लगा दिया और मैं हो गया था थोड़ी देर के लिए एएफके। और फिर इसी फेज में वन ब्लॉक को माइन कर रहे थे तो पता है कौन सा मॉब हॉस्टाइल हमारे सामने आया, स्लाइम ब्लॉक्स आया। भाई इनको मारना कितना ज्यादा सिंपल था, भाई इनको इजिली मार दिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन हॉर्स, नॉर्मल हॉर्स, म्यूल, ज़ॉम्बी हॉर्स और भी बहुत सारे अलग अलग हॉर्सेस वगैरह आए थे जिनको हमने बंद कर दिया अपने एनिमल फार्म में। और हम माइनिंग कर रहे थे और माइनिंग करते करते बहुत ज़्यादा अच्छा सामान मिला, लेकिन एक बार आ गए थे स्लाइम्स जिनने मुझे मार दिया और फिर मैं दोबारा गया तो दोबारा से मार दिया। बट फाइनली इस फेज को हमने एकदम इजीली पास कर लिया और दिल वाली चेस्ट आ गई थी जिसमें ज़्यादा खास सामान नहीं रखा था। और हम आ गए थे नए फेज में जो कि था डिसोलेट लैंड, मतलब ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्गहोल्ड वाला फेज लग रहा था। तो हम जल्दी से इसमें भी माइनिंग करने लग गए और माइनिंग करते करते ज़्यादातर स्टोन, ब्रिक्स और डर्ट वगैरह ही आ रही थी। और कभी कभी ये चिरकुट लोग भी आ जाते थे जो कि बस परेशान करते थे, ज़्यादा कुछ डैमेज वगैरह तो दे ही नहीं पाते। बट वन ब्लॉक को थोड़ा सा और माइन करने के बाद यहाँ पे आ गए थे भाई इवोकर्स। तो जैसे इवोकर आए मैंने यहाँ पे लावा डाल दिया जिससे वो मर जाए, बट इनके वेक्सेस ने मुझे मार दिया। तो मैं दोबारा से जैसे स्पॉन हुआ मैं देखने गया कि इवोकर्स मरे कि नहीं मरे, और यहाँ पे सारे इवोकर्स मर गए तो उनके सारे टोटम ऑफ अंडाइंग्स भी थे। मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वेक्स ने तब तक मुझे दोबारा से मार दिया। और फिर से स्पॉन होने के बाद मैं उस कमरे के अंदर गया जल्दी से और वहाँ पे मैंने टोटम कलेक्ट कर लिया और यहाँ से काफी सारे टोटम्स मिल गए थे हमें। सारे टोटम और सामान को कलेक्ट करने के बाद मैं वहाँ से भाग गया और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जितनी भी वेक्स थी डिस्पॉन
हो गई थी और फिर हम दोबारा से वन ब्लॉक के माइनिंग करने में लग गए थे और अब हम बस वेट कर रहे थे एंड पोर्टल के आने का जिससे हम एंडर ड्रैगन को मार सकें। तो यहाँ पे थोड़े से जानवर वगैरह आ रहे थे, मॉब्स वगैरह आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक मॉन्स्टर पार्टी हो गई भाई। यहाँ पे काफी सारे मॉब्स आ गए थे और हमारे पीछे पड़ गए थे, ज्यादातर ये चिरकुट वगैरह ही थे और एवोकर्स भी आ गए थे थोड़े से, और एक तो मेरा टोटम ऑफ फंडाइंग भी वेस्ट हो गया था। लेकिन मैं जल्दी से अपने कासल में भाग गया जिससे सारे ये डिस्पॉन हो गए थे और फिर हम दोबारा से वन ब्लॉक की माइनिंग करने लगा। माइनिंग करते करते एवोकर्स आ गए थे भाई, मैंने लावा डाल दिया, लावा में वो तो मर गए लेकिन साथ में मैं भी मर गया। फिर मुझे टेंशन हो गई भाई, मेरा पूरा डायमंड का सामान जल तो नहीं गया। लेकिन जब मैं दोबारा वहां पे लौटा तो एकदम मेरा सामान सेफ था भाई, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। और एवोकर्स के मरने के बाद मुझे बहुत सारे टोटम्स और मिल गए थे। फिर हम दोनों दोबारा से लग गए थे वन ब्लॉक की माइनिंग में और फाइनली दोबारा से हो गया था फेज चेंज और अब आने वाला था 10th फेज जो कि था एंड। और इसमें एंड के अंदर जितने भी ब्लॉक्स वगैरह होते हैं वही आने वाले थे जो कि हमें पता थे, और इसके बाद आने वाला था एंड पोर्टल। तो जल्दी से हम लग गए थे इसकी माइनिंग करने क्योंकि हमको जल्दी से ये पास करना था और हमें ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी। बट भाई इसको माइन करते करते एंडर माइट्स आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाती। ये चिरकुट चिरकुट सी तो होती है तो इनको मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बट वन ब्लॉक की माइनिंग करते करते यहाँ पे बहुत सारे शल्कर्स भी आ गए थे भाई, देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई थी इस रूम के आसपास, बट हमने इनको इग्नोर कर दिया और हम वन ब्लॉक की माइनिंग में ही लग गए। और इस एंड वाले फेज में ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था, जैसे कभी कभी एंडर माइट्स आ जाते थे या फिर एंडरमैन आ जाते और ज्यादा से ज्यादा शल्कर्स आ जाते, इसके अलावा कुछ ज्यादा खास आ ही नहीं रहा था। तो हम लगातार वन ब्लॉक को माइन करते आ रहे थे और ऐसे ही माइन करते करते अचानक से आ गया था भाई एंड पोर्टल। भाई मैं तो एक बार को डर गया था, ये अचानक से कहां से आ गया, एकदम वन ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे आ गया था ये पोर्टल। उसके बाद जो वन ब्लॉक था हमने उसको एक दो बार थोड़ा हमने सोचा गायब हो जाएगा, लेकिन ये गायब नहीं हुआ। इसमें दिल वाली चेस्ट आ गई जिसमें कुछ थोड़ा सा सामान रखा था जिससे हम पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और वैसे ये सामान तो हमारे पास पहले से भी पड़ा था। और इस चेस्ट के बाद गया था एक और नया फेज जो कि आफ्टर फेज, मतलब ये वाला फेज कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसमें रैंडम बायोम्स के आइटम आएंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर बायोम का आइटम नहीं आएगा। फिर मैं चला गया था अपने आयरन फार्म थोड़े से आयरन लेने क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लूं विलेजर्स से, क्योंकि मुझे डायमंड का आर्मर चाहिए, क्योंकि वन ब्लॉक से जितने भी जानवर वगैरह निकलते उन्होंने मेरा पूरा आयरन का आर्मर तबाह कर दिया था। तो मैं ट्रेडिंग करने जस्ट आया ही था और फिर मैंने देखा भाई आयरन की ट्रेड भैया ने सारे विलेजर्स से कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं किसी से भी ट्रेड नहीं कर सकता। और बस थोड़ी देर में भाई उन्होंने तो अपना पूरा डायमंड का आर्मर भी कंप्लीट कर लिया था और मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं गया था। फिर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, तो जितने भी हमारे पास टोटल डायमंड्स रखे हुए थे उससे मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बना लिया, और हमारे पास 5 एंशिएंट डेब्रिस थे उसको मैंने स्मेल्ट के लिए लगा दिया, और 3 नेदरराइट के स्क्रैप हम पे पहले से थे, तो ऐसे मिला के हमने बना लिए थे 2 नेदरराइट इंगट। और इन 2 इंगट की हेल्प से मैंने अपनी चेस्ट प्लेट और लेगिंस को दोनों को नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया। बट अभी भी मेरे हेलमेट और बूट बच रहे थे तो हमने सोचा चलो नेदर में जाके माइनिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आ गए थे अपने एक्सवी फार्म पे, और यहाँ आने के बाद हमने थोड़े से एरोज उठा लिए थे यहाँ से और अपने लिए बोस बना लिए थे, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं ड्रैगन को पेलने, तो ये एरोज और बो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये करने के बाद जल्दी से हम वापस आ गए थे अपने कैसल में, और हमें बताना भूल गया कि वन ब्लॉक से हमें जितना भी ऑब्सीडियन मिला था उससे हमने एक नेदर पोर्टल बना दिया था पहले ही। तो जल्दी से हम चले जाते हैं नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर जाते ही हम थोड़ी सी माइनिंग करने लग जाते हैं नीचे की तरफ एंशिएंट डेब्रिस के लिए। और जब मैं नीचे जा रहा होता हूं तो यहां पे थोड़ी सी लावा आती है, तो मैं सोचता हूं चलो दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे ही भाई मैं मुड़ता हूं भैया ने एकदम स्ट्रेट माइनिंग कर रखी थी भाई, उसके अंदर गिर गया मैं और मर भी गया यार, ये पता नहीं कैसे माइनिंग करते हैं। तो फिर मैं दोबारा से नेदर के अंदर आया और ये देखो क्या क्या जुगाड़ करके मैं नीचे जा रहा हूँ। तो फाइनली फिर मैं नीचे पहुंच जाता हूँ और अपना सारा सामान ले लेता हूँ, और फिर हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं माइनिंग करने के लिए जिससे आसानी से दोनों को मिल जाए एंशिएंट डेब्रिस। तो जब मैं माइनिंग कर रहा था तो भैया तो बताते आ रहे थे भाई मुझे 1 एंशिएंट डेब्रिस मिल गई, 2 मिल गई, अब 3 मिल गई, और भाई मुझे 1 भी नहीं मिल रही थी। और बहुत ज्यादा देर बाद मुझे फाइनली 1 एंशिएंट डेब्रिस मिली भाई, और देखो पिकैक्स की कितनी कम हेल्थ हो गई थी उसी में। बट पता नहीं जैसे 1 मिली थोड़ी सी और एंशिएंट डेब्रिस मुझे मिलने लगे, और फाइनली थोड़ी देर में मैंने कलेक्ट कर ली थी टोटल 10 एंशिएंट डेब्रिस, और वैसे मुझे 12 ही चाहिए थे क्योंकि मैंने अपनी चेस्ट प्लेट और लेगेंस को तो अपग्रेड कर रखा, और भैया अपना हिसाब देख ही ले। तो 10 एंशिएंट डेब्रिस तो कलेक्ट हो गई थी, लेकिन अब मैं और माइनिंग नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी पिकैक्स की हेल्थ बहुत कम थी और मुझे ओवरवर्ल्ड में वापस भी जाना था, और मेरे पास दूसरी पिकैक्स बनाने के लिए स्टिक्स ही नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड में, और वहां मैंने जल्दी से एक डायमंड की पिकैक्स बना ली, और उसके बाद दोबारा चला गया था नेदर के अंदर। और मैं जस्ट देखने जा रहा था कि भैया माइनिंग कैसे कर रहे हैं, और भाई देखो भैया तो अलग ही गेम खेल रहे हैं भाई, मैं तो एक ही लाइन में स्ट्रिप माइनिंग कर रहा हूँ, ये देखो भाई कितनी ज्यादा तबाही मचा रखी। तभी मैं सोचू इतनी ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस कैसे मिल रही इनको। फिर यहाँ से निकल के मैं अपनी एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने लग गया, और फाइनली मुझे 2 एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गई, मतलब मेरा कोटा तो भाई पूरा हो गया। मैं जल्दी से लौट गया था ओवरवर्ल्ड में। फिर ओवरवर्ल्ड में लौटने के बाद मैंने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट कर दिया था, और उसके बाद
उनको नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट भी कर दिया था। फिर मैं सोच रहा था नॉर्मल डायमंड के बूट्स और हेलमेट को क्या ही करूंगा मैं नेदरराइट में कन्वर्ट, इससे सही मैं विलेजेस से ले लेता हूँ जिसमें एन्चेंटमेंट लगी हो। इसलिए मैंने जल्दी से विलेजेस से थोड़ी सी ट्रेडिंग कर ली और फिर पूरे आर्मर को और एक सॉर्ड को मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया था नेदरराइट के आर्मर और सॉर्ड में। और भाई फाइनली मैं पूरा कवर हो गया था नेदरराइट के अंदर। लेकिन अभी मेरा आर्मर देखने में उतना बढ़िया नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स एन्चेंटेड नहीं थे। तो मैं सोच रहा था चलो एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लेते हैं। और एन्चेंटमेंट टेबल को बनाने के लिए मैं सामान ढूंढ ही रहा था लेकिन तभी मैंने देखा कि एक चेस्ट में एक और एंशिएंट एवरेज रखे जो मैंने देखी नहीं थी। और भैया भी एक ही एंशिएंट एवरेज ढूंढ रहे हैं बहुत देर से। तो मैंने उनसे बोल दिया कि यहाँ से उनको मिल जाएगी जल्दी से आ जाओ। और तब तक मैंने एक एंशिएंटमेंट टेबल भी बना ली थी और उसमें अपनी लेगेंस और चेस्ट प्लेट को एंशिएंट भी कर लिया था। और फाइनली थोड़ी देर में भैया ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया था नेदरराइट के अंदर और अब हम दोनों रेडी हो चुके थे ड्रैगन से फाइट करने के लिए। फिर थोड़ी सी हमने प्रिपरेशन करी और फिर हम चले गए थे एंड के अंदर। और एंड के अंदर पहुंचते सबसे पहले हमने ड्रैगन के क्रिस्टल्स तोड़े जिससे वो हेल्थ को रिगेन ना कर सके। एक एक करके सारे क्रिस्टल तोड़ दिए और जैसे सारे क्रिस्टल तोड़ दिए तो अब टाइम था ड्रैगन को मारने का। तो जैसे ही ड्रैगन नीचे आया मैंने उसको सॉर्ड से बहुत ज्यादा डैमेज दिया और भैया तो पता नहीं कहीं खेल रहे थे। और जब वो दोबारा आया तो हम दोनों ने मिलकर उसको बहुत बुरी तरीके से मारा और उसकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। और जब वो फाइनली तीसरी बार आया तो मैं उसको मारने जा ही रहा था लेकिन भाई उसने मुझे उछाल दिया और मेरा टोटम भी वेस्ट हो गया था और एक एंडरमैन भी मेरे पीछे पड़ गया था लेकिन मैं बाल बाल बच गया। और फिर वो जैसे ही उड़ा मैं उसमें एरो शूट करने लग गया और एक एक करके मेरे तीन एरो उसमें हिट हुए और फाइनली एंडर ड्रैगन खत्म हो गया था और हमने इस एंड को भी फ्री कर दिया था। और फाइनली हमारे जितने भी टास्क थे हमने कंप्लीट कर लिए थे और जितना भी एक्सपी छोड़ के गया था ड्रैगन मैंने जल्दी से लूट लिया और इसके एग को भी हमने कलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद हम चले गए थे ओवरवर्ल्ड में वापस। और गैस इसी के साथ हमने सर्वाइव कर लिया 100 डेज ऑन वन ब्लॉक। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं भैया के साथ सीरीज कंटिन्यू करूं तो लाइक एंड कंप्लीट करा देना। और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।